बीजेपी हाय हाय 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 राहुल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बीजेपी हाय हाय 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 नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी जी को आज तीसरे दिन भी जो है वो उनकी पेशी हुई है और किस तरह से यह कांग्रेस का जो है वो लगातार प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ जम्मू से कांग्रेस के चीफ स्पोक पर्सन रविंद्र शर्मा है। हाल ही में इन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रदर्शन किया है, तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। सर किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है आज भी? सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का बच्चा बच्चा लड़ता रहेगा। राहुल गांधी बिल्कुल बेगुनाह है, गांधी परिवार बिल्कुल गुनाह है, बेगुनाह है। और 67 करोड़ रुपया उसमें से जो पत्रकार हैं अखबार के मुलाजमीन हैं उनकी वेजिस दी गई कोर्ट के अदालत के आदेश से। बाकी दफ्तरों का किराया और बिजली था, कोई किसी ने पैसा खाया नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपना पैसा देके उसको इक्विटी में माफ़ी में डाला और अगर यंग इंडिया कंपनी बनाई तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ना, वो नो प्रॉफिट कंपनी कानून के तहत ना कोई पैसा ले सकता है, ना लाभ लिया गया ना लिया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ना कोई बेच सकता है ना बेची गई है जी। तो ये घोटाला किस नाम का, 8 साल पहले जांच होके बंद हो गया। आज जब देश में महंगाई बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, चाइना उधर से आंख दिखाता है, बाकी जगह पे आपको माफ़ी मांग रही है पंडित है, तो उसमें आपको खबरें सुर्खियाँ बदलने के लिए राहुल गांधी याद आ गई। सुर्खियाँ बनाने के लिए राहुल गांधी जी को इस और क्या, ये सिर्फ यह मैच बदले की भावना और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये अखबार 8 साल से यही करता रहा है। ये सरकार ये सुर्खियां बदलते रहे। जब आपने 2 करोड़ की बात की थी, आज कोई बात करता है 2 करोड़ मुलाजमत की? 2 करोड़, 16 करोड़ लोगों को मुलाजमत मिलनी चाहिए थी, 14 करोड़ तो बेरोजगार हो गए कोरोना में, आर्थिक मंदी में, आपकी नोटबंदी में, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं होता। काले धन का आज जिक्र नहीं होता, जो सफ़ेद धन लूट कर ले गए 10-10 हज़ार करोड़ रुपया, उनका जिक्र नहीं होता। राहुल गांधी को 10-10 घंटे बैठाया जाता है। आप प्रवक्ता है, एक सवाल करना चाहूँगा। चलिए आपने कहा कि आपने शुरुआत में कहा कि राहुल गांधी निर्दोष हैं, चलिए मान लिया जाता है कि वो निर्दोष हैं, तो फिर कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है इतना हजूम लेके? दिल्ली हो, कर्नाटका हो, अलग राजस्थान हो, क्यों मैं प्रदर्शन निर्दोष हूँ? आपको 10-10 घंटे अगर थाने में बिठाया जाएगा तो क्या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? प्रदर्शन किस किस बताएं हमको, प्रदर्शन किस चीज़ का? आप निर्दोष हैं, आपके पीछे आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके परिजन, आपके दोस्त, आपका हाल आपके साथ खड़े नहीं होने दिखना चाहिए। मैं कहता हूँ हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए अगर वो दोषी होते तो हम क्यों साथ खड़े? वो निर्दोष हैं और हम ये साबित करते हैं कि 8 साल पहले आपने क्लोज किया केस, आप ही की सरकार थी। और जब हमने कहा कि कानून के तहत यंग इंडिया कंपनी ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है, नो प्रॉफिट ट्रस्ट, ना कोई पैसा खाया गया ना कोई धन कमाया गया, 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने अपना दान दे के मुलाजमों को तनख्वाह दी, दफ्तरों के किराए दे, गिरा किया, और बताइए कौन सा दान खाया है? इसलिए वो अगर ट्रस्ट के नाम पर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बचाने के लिए बनाने के लिए, यहाँ भी कौमी आवाज़ का दफ्तर था, ये साथ यहाँ से अखबार छपती रही, ये नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ हमारी 2 अखबारें जिन्हें आज़ादी की जंग लड़ी है, आज़ादी की धरोहर है, पहचान है, मुझे बताइए कौन सा घोटाला हो गया? इसलिए हम अपने नेता के साथ खड़े को वो बेगुनाह है और इन्होंने बेगुनाह साबित किया था। आप ये इन्फ्लुएंस से एजेंसीज का मिसयूज़ करके संविधान का गला घोट के हमारे चीफ मिनिस्टर को अंदर करेंगे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर और सिटिंग MPs और गृह मंत्री जो सरदार पटेल की कुर्सी की उनकी पसलियाँ तोड़ेंगे। पुलिस हमने भी प्रदर्शन किया, हमारा धक्का मुक्का भी होता है, लेकिन यह है कि आप पुलिस जो है वो हमारी पसलियाँ तोड़ेगी, हड्डियाँ तोड़ेगी, इसलिए कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े। राइट टू फंडामेंटल, राइट टू प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई, पुरअमन प्रोटेस्ट करना, ये कानून और सुप्रीम कोर्ट ने कहना है, फिर कौन सी कि आज कोई भी सकवर रोड पे भी कब्जा कर दिया गया है। इसलिए ये बौखलाहट है मोदी सरकार की, लेकिन इसी तरह से उनका पतन शुरू होगा। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी पे भी अत्याचार शुरू किए थे, देश में परिवर्तन की लहर शुरू हुई थी, ये परिवर्तन की लहर शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ये एजेंसियों का भाजपा जो है नजर आ रही है, और इसीलिए इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस पर जो है वह दबाव बनाना चाहती हैं, और इसीलिए कांग्रेस के अगर राहुल गांधी जी का जिक्र करते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं एक हावी होती हुई नजर आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद।